गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम उठ चुके हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी। आज बना रही हूँ मैं आलू और न्यूट्री की सब्जी। तेल मैंने यहाँ पे रख दिया है, प्याज बीन्स और टमाटर मैंने काट के रख दिए हैं और ये थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी इसको, न्यूट्री को। श्रुति दीदी काट रही है यहाँ पे आम और इसका बनाएगी हम खट्टा। बुट्टी को काट के छोड़ेंगे खट्टा खिलाटला। ये मैंने पूरे मसाले ले लिए हैं, इसको मैं डाल दूंगी। प्याज, लहसुन, हल्दी, ये नमक और इधर भरी आलू न्यूट्री और इधर खट्टा। ये तड़का हो गया, इसमें डाल दूंगी मैं अब आम। ऊपर से डाल दूंगी चीनी। इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी। अभी हमारा खट्टा बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हो। गोरे होने का राज, 10 दिन नहाना नहीं है, 11 दिन पानी नहीं है, 11 दिन मुंह धोना है स्क्रब के साथ। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और ये पता आप जानते हैं इसको, बट ये क्या पकड़ा है तूने अपने हाथ में? इसका ये जो है ना, ये कभी नहीं रुकता है, परमानेंट सप्लाई देता है, हर मौसम में कंटिन्यू सप्लाई चलती है इसकी। और पीयूष भी चला गया आज बाजार में, क्योंकि मेरे ताऊजी का बेटा है, उन दोनों कुछ काम होगा मार्केट में, तब वो बाजार गया है। और अभी हम लेडीज स्टाफ घर में है, पापा भी ड्यूटी चले गए, हमें फिलहाल छुट्टी है, तो अभी हम घर में ही हैं। अभी मेरी चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं सबको चाय दूंगी। एक लड़की अभी गई थी बड़ी बाल्टी लेके 15 लीटर की, कि मैं नहाऊंगी मैं नहाऊंगी, और जैसे बाहर गई और मम्मी ने उसको बोला ले 5 किलो की बाल्टी ले, इससे ना अगर नहा तो ना, नहीं नहाना तो तेरी मर्जी, बाकी और पानी वेस्ट नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ तलियाड़ चूड़ू के पास। इसको हम ना आज कहाँ लेके जाएंगे, नाले में वहाँ उसको चुको लेंगे और इसको नहलाएंगे, ठीक है? तू भी नहाई जा, मैं मुझे मैं तो कल भी नहाई, तेरे साथ आता हूँ। आई नहीं, मैं तो सुबह पूरा मुंह में अपना साफ किया है, धोया है, हाँ पानी नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत है, कल नहाई हूँ। शाम तक यार मेरे बालों से नहीं लगानी है, सीख तू पहले से। बालों से नहीं लगानी, तेरे बालों के क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये यार ऐसे, क्या करें, हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये बड़ी है और हम छोटे हैं। और आज हमारे घर में आ चुके हमारे मासी जो बाहर हो गए हैं। जल्दी अंदर आओ, आओ जल्दी। नमस्ते मासी जी। नमस्ते जी। हाय मासी है, आ जाओ। और इसको तो आप जानते ही होने, है ना? मिसर शू। और मासी जी ले आए हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी जी, उन्होंने लाया लेस और कचौड़ी भी लेके आए हैं वो हमें। आज मेहमानों की कमी नहीं हो रही घर में। अभी हमारा तन्नु भाई आया और इसको तो आप जानते हो ना। और तू क्या चले चली भी नहा दी, आएगी मेरे बाद नहाने दी, याद आएगी। जा जा, अभी ना आ रही है, पता नहीं 1 महीना हो गया ना इसको, महीना तो क्या 2-4 दिन। मैं जा रही हूँ मासी को सड़क में छोड़ने के लिए और ये चल पड़े अपने घर। ठीक है ना, बाय गाइस, मैं भी जा रही हूँ, मैं कल ही आऊंगी। चलो हंसी, बाय बाय। दोनों सड़क में पहुंची और एक बस चले गई यहाँ से, अभी आएगी दूसरी बस, फिर जाएंगे मासी उसमें और मैं भी साथ में चली जाऊंगी। मैं आज आपको मिलवाऊंगी अपने घर के उस प्राणी से जो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाता रहता है, कुछ ना कुछ। अभी इसने मम्मी से बिस्किट लिए, वो खा रही है सुबह खाना खाने के बाद, जब इंसान बोलता है कि नहीं मैंने खाना खा लिया मैं कुछ नहीं खाऊंगा, उसके बाद भी ये कहीं सेब खाती है, कहीं आम खाती है। और आज ही सेब खा रही थी और इसके साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई ना, चल मैंने खाती। और फिर बोलती है कि अब तो 1 हफ्ते के लिए मैं कभी सेब नहीं खाऊंगी, है ना, खाएगी खाता नहीं। और आम खाती है ना, यहाँ लाए वो खाने से पहले, फिर चले जाती है वहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ पे, फिर इसे पेड़ पे चढ़ा नहीं जाता, नीचे से करती है ऐसे ऐसे, जब निकलता नहीं ना तो फिर पीयूष को बोलती है पीयूष चला सा, पर आम लो आने चला,
बस फिर आना भी डबरा भर खाई लेना। सॉरी सिस्टर निकले भी नहीं आज तक। और सुधी दी थालू तो निकला एक थालू डबरे भरवा डबरे डे। और एक हमारे घर में ना हमारे पापा जी हैं जो बहुत ही महान है, हर रोज नई पैंट पहन के जाते हैं और अपने कपड़े को कितने गंदे करके लाते हैं। और यहाँ पे हमें नहाने के लिए पानी नहीं है और वो ऐसे करते हैं, पता नहीं कितनी दिन के पास पहनते हैं। तो मैंने पता नहीं 4-5 दिन हो गए यही कपड़े पहने हैं, पानी नहीं है। पापा जी लो ना पता, वो तो आज अंसी ने आधे कपड़े अलमारी के अंदर डाल दिए, नहीं तो पापा रोज नए नए पहनते हो। चलो है ना सुजीदी, मुझे नहीं खाना। ते इसकी तरह इस घर में और कोई भूखा नहीं है, कोई नहीं खाता इतना ज़्यादा जितना ये खाती रहती है पूरा दिन। एक दिन ऐसा ना हो हमें सड़क पे भी ले आ सकती है खा खा के। और गाइस जो इसको अपने घर लेके जाएगा ना वो भी सोचेगा कि ये कहाँ से ले आया इस भूतनी को मैं। अब बज रहे शाम के 4 और बारिश लगने वाली है इधर, और नानी भी चले गए अपने घर। जब मासी आए थे तो नानी चले गए थे, पीयूष गए उनको छोड़ने, और मेरे को तो नानी की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। इस तुम चाहे रोने लगी मत रो। क्या है तू है? नौटंकी कर रही है, नहीं रो रही है? रो रही हूँ, मेरा दिल रो रहा है। अभी बज चुके हैं रात के 7 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल, मलका मसर की दाल और चावल बनाएंगे हम अभी। अब मैं तड़का लगा रही हूँ। अभी पीयूष आज सुबह से गया है, सुबह बोला मेरे को एक भैया का कॉल आया उसका, फिर उसके फ्रेंड का कॉल आया, फिर नानी को छोड़ने घर गया, वहाँ से वो इतने जल्दी भाग गया और अभी तक वो घर नहीं पहुँचा। और उसको मम्मी ने पता नहीं 4-5 बार कॉल किया है, आया और आ गया है, अभी पहुँच गया वो। और देख अभी कुलियर का भेजना तू, और अभी पहुँचा वो सुबह से गया है। अभी बज चुके हैं रात के 10 और खाना हमने खा लिया है। ये जो मेरे साथ बैठे इसको आप जानते होने, जब अंसी चावल डाल रही थी ना तो उसने बोला कि मुझे खाना नहीं खाना है आज, और मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाऊंगी। जब हम सब खाना खा रहे थे तो प्लेट लेके आ गई, इसने एक बार चावल लिए, उसके थोड़े लिए थे पर फिर भी लिए तो ना थोड़े, उसके बाद इसने दूसरी बार लिए, फिर बाद में बोलती कि वो आम का खट्टा है ना मैं इसके साथ भी खा ही लेती हूँ, फिर इसने तीसरी बार चावल लिए। वो तो मेरी बहन ने ज्यादा डाले थे, वरना एक बार लिए थे। अच्छा ऐसा थोड़ी ना था, फिर तूने मना किया था कि मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। और कल से तो ये वो तो मैं रोज ही सुनती हूँ, सुन सुन कान भी फट चुके हैं, इनमें भी सुनाई देता। फटी तेरे पहले ले फट रहे पैदाई सी फटे हुए कान पैदा हुए फटे हुए कान है तेरे पहले से, तेरे को पहले अलग है मेरे कान, ऐसा बोलते हैं लोग। चुगली करो तेरे तो दौड़ी क्या हुई? मैंने क्या किया आज तक ऐसा? हाँ तेरे तो झट झट सुना। ओके गाइस बाय बाय, गुड नाइट।